वगैरह मिली हुई थी क्या? गुड इवनिंग सर। कौन है ये? क्वांटम वर्ल्ड कौन है? क्वांटम वर्ल्ड सर मैं शुभम। क्या नाम? शुभम। शुभम नाम है? शुभम यस सर। क्या हो गया? तू इस वर्ल्ड का नहीं है क्या? दूसरे दूसरी दुनिया का है क्या? नो सर अर्थ पे रहता अरे हूँ। क्वांटम वर्ल्ड वगैरह कुछ लिखा हुआ है? वो सर किसी और की आईडी का नाम है। वो मेरा फोन खराब हो गया ना तो मैं किसी और का फोन चलाता हूँ अभी। उसकी अच्छा ये आईडी का किसी नाम और कौन कौन है? किसी और कौन है ये? किसी कौन है ये तो बताओ। अच्छा सर मेरी सिस्टर का फोन है। ऐसे बोलो ना, किसी और को बोलो यार, सिस्टर को तुम्हारी है यार, है? ऐसे बोलोगे पापा का फोन लोगे तो ऐसे बोलो सर किसी और का फोन यूज करवा रहे। भाई बोलो पापा का फोन यूज कर सर एक रहा क्वेश्चन, हूँ। हाँ जी बोलो प्रियांशु, क्वेश्चन है तो सर ये एक्स का डिफरेंशिएशन 1 कैसे होता है? मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन 1 कैसे होता है तुम्हारे हिसाब से? क्या होना चाहिए? सर एक्स का डिफरेंशिएशन वो nx n-1 से x^0 आ रहा एक्स की पावर 0 आ रहा ना। है। यस सर। अच्छा 2 की पावर 0 कितना होता है बेटा? टू की पावर 0 सब जीरो या 2 की पावर 0। अच्छा 4 की पावर 0 कितना होता है? जीरो और 5 की पावर 0 कितना होता है? सर जीरो ही होगा कोई सा भी वैल्यू। किसी की पावर 0 करोगे 0 ही होगा, है ना? यस सर। पर यही तो गड़बड़ करती बेटा, ये मैथ्स पढ़ गया उसलिए तो क्वेश्चन डाउट पूछ रहा तू। एनीवन करेक्ट करेगा कोई इसको? 2 की पावर 0 कितना हो गया? सर 1 टू की पावर 0 बेटा 1 होता है, 3 की पावर 0 1 होता है, 4 की पावर 0 1 होता है। किसकी पावर 0 1 होता है बेटा? सर ओके सर तो एक्स की पावर 0 कितना होता है? वन आ गया तुम्हारा आंसर? यस सर अरे ऐसी गणित पढ़ के आए हो यार, वही गणित पढ़े हो तो हमने पढ़ी है या कहीं और से पढ़ी है? क्या सर चलो कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ी बहुत बेइज्जती होती रहेगी बट डाउट पूछना ना बंद करें, ठीक है? चलो और कोई डाउट? एनीवन एल्स? एनी अदर डाउट? चलो कोई डीपीपी तो दी नहीं थी, दी थी क्या? नो सर। नहीं कोई टेस्ट वगैरह भी अभी आप लोगों का शायद नहीं हो रहा है? अभी कोई रिसेंटली कोई टेस्ट हुआ गया? नहीं। चलो इन ऑल कोई डाउट नहीं है राइट? सर वो जो टेस्ट हुआ था उसके क्वेश्चंस जो व्यू नहीं हो रहे थे वो उसका क्या करना है? क्या हो रहे थे क्वेश्चन? क्या हो रहे थे? सर वो जो अभी फोर्टनाइटली टेस्ट हुआ था उसके क्वेश्चंस नहीं दिखा रहा था वो सारे रिजल्ट्स के लिए, मतलब जो क्वेश्चन गलत है उनको चेक तो करना है। अच्छा मतलब जो क्वेश्चन गलत है वो आप अभी रिव्यू नहीं कर पा रहे हो ये बोल रहा हूँ? हाँ, क्वेश्चन दिखाई नहीं रहा चलो वो। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, उस पे काम चल रहा है, ठीक है? तो नहीं मोस्ट सर मैं प्रोबेबली तो देख पा आपको रही हूँ क्वेश्चंस। आप देखने लगे क्या? यस सर, मतलब उसमें सॉल्यूशंस नहीं है बट जो क्वेश्चंस तो हैं सारे ऑप्शंस के साथ। नंबर है, क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन तो नहीं लिखा ना। नहीं उनको ओपन करके उसमें क्वेश्चन भी है तानवी सर, शायद ये भी आपने मैं ओपन समझ नहीं गया किया होगा, बट पहले कभी देखा होगा, हो सकता है कि वो लेटर ऑन अपडेट हुआ हो क्योंकि इस पे काम चल रहा था, ठीक है? तो हो सकता है अब आपको दिख रहा हो क्वेश्चन, ठीक है? आप नंबर पे क्लिक करके देखना क्योंकि अगर एक बच्चे को दिख रहे हैं तो इसका मतलब आप दिख रहे होंगे, तो हो सकता है आपने पहले देखा हो तो शायद ना भी दिख रहा हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है? ओके ठीक है, उसके बाद कोई भी डाउट होगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो आज सब लोग जितने लोगों ने भी टेस्ट दिया था जाके अपने पेपर को रिव्यू जरूर करें, ठीक है? मिली बेटा तुमने कब देखा था लास्ट टाइम?
मिली मिली आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? अरे मिली नाम का बच्चा कोई है क्या? मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? यस सर, आ रही है। क्या बात है? मिली तो तुम बोल नहीं सकते हो, ऐसा बोलना चाह रहे हो? मिली तुम्हारी आवाज मेरे पास नहीं आएगी ये बोलना चाह रहे हो? इट्स अ प्रॉब्लम इन योर लैपटॉप, दैट्स व्हाई यू आर टाइपिंग ओनली, आई होप सो। तो बेटा जब एक बच्चे को दिख रहा है तो उसका मतलब वहां पे विजिबल होगा, आपने जब देखा होगा तब शायद विजिबल नहीं होगा, अब आप जाके चेक करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है? तो इसमें परेशान नहीं होते, जब एक बच्चे ने बोल दिया दिख रहा है तो डेफिनेटली वहां दिख रहा होगा, तो आप थोड़ा एक्सप्लोर करना, ठीक है? यस सर, मैंने अभी देखा, दिख रहा है। देख लीजिए, ठीक है? तो आप लोग ऐसे मत परेशान हुआ करें, जब मैंने आपको बोला है कि एक बच्चे ने कि ठीक है सर अब दिखने लगा है तो बस ठीक है, अब दिखने लगेगा। नहीं सर, आई कांट सी लाइक कि तुम्हारे लिए स्पेसिफिक केस हो रहा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो पहले नहीं विजिबल था ये मुझे मालूम है, और मैंने आपको उस टाइम पे बोला था, आपको बैच में नहीं बोला होगा तो दूसरे बैच में बोला होगा, मेरे हिसाब से आपको ही बोला होगा, कि मैंने उनको बोल दिया है कि वो क्वेश्चन आपको रिव्यू के लिए विजिबल होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि हर टेस्ट के बाद आपको खुद का रिव्यू करना चाहिए कौन से क्वेश्चन गलत थे और उनको दोबारा सॉल्व करने चाहिए। एवरी टेस्ट के बाद आपके गलत क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करने ही चाहिए, राइट? उसके लिए तुम्हारे पास क्वेश्चन होना चाहिए, और अगर फिर भी आपसे नहीं सॉल्व हो रहे तो आप टीचर से डाउट पूछ सको, ठीक है? तो वो चीज बहुत रिक्वायर्ड थी और इसलिए मैंने बोला हुआ था टीम को, तो शायद उन्होंने इस चीज को प्रोवाइड करा दिया होगा। चलो आपको एक चीज और बता दूं कि सर आप हर क्वेश्चन में जब भी आप डीपीपी सॉल्व करोगे तो हर क्वेश्चन में एक ऑप्शन आएगा कि अगर आपको कहीं पे भी एरर मिल रही है, आपको लग रहा है कि नहीं सर इसमें टाइपिंग एरर है, या आपको लग रहा है कि सर इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, श्योर हो आप, या आपको लग रहा है सर ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, या किसी भी तरीके की आपको एरर फील हो रही है, तो आप वहां पे जाके अपनी एरर को रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है? तो आप जब भी डीपीपी सॉल्व करोगे आगे, तो आपको हर क्वेश्चन के बाद एक रिपोर्ट का ऑप्शन कहीं मिल रहा होगा, देख लेना। तो जब भी आपको लगे कि क्वेश्चन में कोई गलती है, ऐसा मत करना सर मेरा आंसर नहीं आ रहा तो क्वेश्चन गलती होगा, ठीक है? मेक श्योर कि आपको लगता है नहीं मेरा आंसर बहुत श्योर हूं, मैं सही हूँ, बाकी लोगों का भी आंसर वही आ रहा है, या फिर क्वेश्चन को पढ़ने से ही समझ में आया कि वो गलत है, या कुछ टाइपिंग एरर है उसमें, कुछ भी टाइप का एरर है, तो जितनी ज्यादा आप उसको रिपोर्ट एरर करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए भी अच्छा और क्वेश्चन के लिए भी अच्छा, बाकी लोगों के लिए भी अच्छा है, कि आपने अगर कोई एरर देख ली है, अगर आपने उसको रिपोर्ट कर लिया तो जल्दी जल्दी वो करेक्ट हो जाएगी, ठीक है? तो वहां पे एक रिपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप हर डीपीपी में आप जब भी आपको लगता है जो आप मुझसे क्रॉस चेक कराते हो ना सर वो क्वेश्चन में गलती है कुछ ऐसा, तो आप वहां पे डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है? बाकी मैंने आपको बोला ये कि जब भी आपको लगे करे कि यार ये क्वेश्चन गलत है या इसमें कुछ गलती है या ऑप्शन गलत है या गलत आंसर दे रहे हैं, उसको आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे आप मुझे सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है? ताकि मैं मेरे रिपोर्ट में भी आ जाएगा तो मैं उसको आगे टीम को फॉरवर्ड कर देता हूँ। बाकी अब आपके पास डायरेक्टली रिपोर्ट एरर का ऑप्शन दे रखा है वहां पे, तो आप डायरेक्टली वहां से रिपोर्ट कर सकते हैं, और जरूर रिपोर्ट कीजिए अगर आपको कोई भी एरर फील हो रहा है तो। चलिए तो ये तो बातें हो गई हमारी नॉर्मल, हमने कहा था हम कहाँ पहुंच गए थे, मैथमेटिकल टूल चल रहा था क्या बेटा? लास्ट थिंग हमने क्या पढ़ी थी? रूल्स पढ़े थे हाँ, लास्ट कौन सा रूल पढ़ा था बेटा? डिफरेंशिएशन, चल डिफरेंशिएशन सर, डिवीजन का लास्ट चेन रूल करना था, डिवीजन तक हो गया था, डिवीजन वाला रूल हो गया था हाँ, ऐसे स्पेसिफिकली बताया था सर, लिख दीजिए गुड। तो डिवीजन वाला रूल हमने कर लिया था, आज हम आगे पढ़ेंगे। मैंने कहा सर उससे पहले मैं जल्दी से एक दो क्वेश्चन कर दूं, मुझे आंसर बता दो, y इज इक्वल टू log x into sin x, जल्दी से इनको सॉल्व करें, आंसर बताएं। लॉग के बारे में हमने कोई बात की है क्या अभी? सर आपने लॉग ई एक्स का था सर, ठीक है उसका डिफरेंशिएशन बता दिया था ना,
सर ये y is equal to x square upon log x. अरे पहले इसका बताया कि इसका सॉल्व करने लगा, पहला कौन सा दिया है यार, सीक्वेंस को फॉलो करो यार. क्या बोला इसका 1 by 2 बोल रहा है? यस सर. चलो देखते हैं जल्दी आंसर क्या, जल्दी जल्दी क्विकली. अरे भैया पहले वाले का आंसर बोलेगा कोई? सर 1 upon x plus cos x. 1 upon x plus cos x. यस. कौन है, किसने आंसर दिया ये? सर अनस. अनस. यस. सर 1 upon x sin x plus log x cos x. सर 1 upon x into sin x plus cos x. 1 upon x. सर ब्रैकेट म्यूट करो सब लोग अपने आप को, ठीक है? एक बार अगर किसी ने अनम्यूट कर दिया है तो अपने आप को म्यूट कर लिया करो. जिसने पहले बोलना स्टार्ट कर दिया तो थोड़ा पेशेंस रख लिया करो. आप लोगों में इको होने लगता है, किसी की आवाज मेरे पास क्लियर नहीं आती, ठीक है? एक एक करके आराम से कि यस सर मैं बता रहा हूँ, पहली लाइन ये बोला करो, यस सर मैं बता रहा हूँ, तो बाकी दूसरे लोग चुप हो जाए करें उस टाइम पे, राइट? यस, एक एक करके स्टार्ट करें. चलो हाँ ब्रैकेट है सर, साइन एक्स और कॉस एक्स ऐसे. यस सर. एनी अदर आंसर इनके अलावा कोई? सर 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स. 1 upon x into cos x, right? Sir, 1 upon x multiplied by sin x. एक आंसर ही हो गया, 1 upon x multiplied by sin x. ऐसा? Plus. Sir, plus. Plus? Yes, sir, इसके आगे plus cos x ln x. Cos x? ln x. ln x. Yes, sir. चलो मेरे को जरा आंसर बता के जाना. ये आंसर किसने दिया था? अनस ने, राइट? सर वो मुझे लगा प्लस है पीछे. अच्छा तुझे लगा प्लस है, कान तो नीचे लगाऊंगा, मुझे लगा प्लस है. ये बोलो कि सर मुझे फॉर्मूला बस प्लस वाला याद आया. ये मत बोलो कि मुझे लगा प्लस है, ये बोलो कि सर मुझे तो वो प्लस वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना दिमाग में आया. किसको लग रहा है ये प्लस है? अपनी गलती को छुपाए नहीं, आपको मालूम होना चाहिए कि सर मैंने गलत फॉर्मूला लगाया क्योंकि मेरे दिमाग में वही आया, इसका मतलब मैंने प्रॉपरली रिवाइज नहीं किया इसीलिए वो हिट किया. चलो ये किसने बताया ये वाला आंसर? सर यतिन. यतिन क्या कंसेप्ट लगाया बेटा तुमने? log x का डिफरेंशिएशन कर दिया आपने, बोला 1 by x होता है into sin x का कर दिया cos x होता है, यही किया ना बेटा? यस सर. यही सिखाया मैंने, रिवीजन नहीं किया ना यतिन बेटा? क्यों यतिन, आपसे बात कर रहा हूं. यस सर. रिवीजन नहीं किया ना? क्विकली जल्दी जल्दी आंसर दें प्लीज, टाइम वेस्ट नहीं करें सबका यार.
मैं तो बोल रहा हूँ रिविजन किया या नहीं किया, नहीं किया। आपको याद है मैंने जब चैप्टर ये वाला स्टार्ट किया था उससे पहले मैंने क्या बताया था, दो चैप्टर के बारे में, मैथमेटिकल टूल और वेक्टर के बारे में मैंने क्या बोला था? सर मेरी डिफरेंशिएशन फर्स्ट क्लास थी। कब डिफरेंशिएशन जब करवा रहे थे आप? वो आपकी फर्स्ट क्लास थी? यस सर। तो वही तो मैंने डिफरेंशिएशन की भी तो वही फर्स्ट क्लास थी बेटा। ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ ना बेटा, डिफरेंशिएशन मैंने उसी क्लास से स्टार्ट किया था। अगर मेरी आज फर्स्ट क्लास, यतिन अनम्यूट करके रखिए अपने आप को, जब तक की बात खत्म हो जाएगा आप म्यूट नहीं करेंगे। आपको पता है कि आपकी डिफरेंशिएशन की फर्स्ट क्लास थी, ठीक है? चैट बॉक्स पे सब लोग अब लिखना बंद करें, कोई भी चैट बॉक्स में लिखेगा जिसको बात करनी है यहाँ पे बात करेंगे। नो वन शुड राइट एनीथिंग इन द चैट बॉक्स अंटिल अनलेस इट इज आस्क्ड। यतिन बेटा तुम्हारी लास्ट क्लास अगर पहली क्लास थी तो क्या ये तुम्हें राइट मिल जाता है कि मैं रिवाइज नहीं करूं? नो सर। क्या मैंने उसमें पिछली किसी भी क्लास का कोई भी चीज यूज की थी? नो। सारी चीजें तुम्हें उसी क्लास में सिखाई गई डिफरेंशिएशन से रिलेटेड? यस। और क्या मैंने आपको क्लास में ये बोला था ये दो चैप्टर मैथमेटिकल टूल्स और वेक्टर, ये दो इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर ये आपसे अगर छूट गए तो आपकी पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी, क्या मैंने ऐसा बोला था? यस सर। याद है ना ये चीजें? तो क्या आपको फिजिक्स अच्छा नहीं करना है? बोल दो नो सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, अच्छा मतलब आपको मैं पहली आपकी पहली क्लास फिजिक्स की है और उसमें अगर आपका टीचर ये बोल रहा है कि यार ये दो चैप्टर अगर आपने नहीं अच्छे से किए आपकी फिजिक्स खराब हो जाएगी, बीच में आई थिंक दो दिन का गैप हो गया है हमारी लास्ट क्लास और इस क्लास के बीच में, आपने तब भी रिवाइज नहीं किया, मतलब आप फिजिक्स को सीरियस ले रहे हैं? भाई साहब फिजिक्स ऐसा धक्का देके मार के जाएगी ना कि आप दो साल परेशान रहेंगे फिजिक्स में, बता दे रहा हूँ। ये सिर्फ मैं यतिन को नहीं बोल रहा हूँ, ये हर उस बच्चे को बोल रहा हूँ जिसने ये रिविजन नहीं किया। फिजिक्स को साथ साथ करोगे तो बहुत, जिन्होंने रिविजन किया जिन्होंने क्वेश्चन सोल्व किया मैं कह रहा हूँ तो बड़ा मजा आ रहा होगा क्वेश्चन सोल्व करने में, जितने क्वेश्चन में ज्यादा दूंगा सबको मन करता है सर और दो फिजिक्स इतना अच्छा लगता है सोल्व करने में। लेकिन जिसने रिवीजन नहीं किया ना बेटा वो ऐसे ही करेगा, उसको फिजिक्स से डर भी लगेगा और फिजिक्स खत्म हो जाएगी। और ये दो चैप्टर तो ऐसे हैं कि भैया फिजिक्स खत्म भी कर सकते हैं और फिजिक्स में तुम्हें मजे भी दिला सकते हैं। इट शोज यू आर नॉट वेरी सीरियस, आई एम सॉरी। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ जाएंगे डॉक्टर बनने के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, अपने बोर्ड क्लास पे फोकस कर लीजिए क्योंकि उसको भी बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर बनने के लिए भैया बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 19 लाख 18 लाख बच्चों से तुम्हें कम्पीट करना है। सोचोगे अगर हम वैसे ही कि सर हाँ ठीक है दो दिन में मैं क्यों रिवाइज करूंगा, भाई साहब भूल जाओ फिर डॉक्टर बनना। तो भैया ऐसी बातें मेरे मुंह से ना निकलवाएं कि भाई साहब अगर इस एटीट्यूड से चलेंगे तो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। भैया मैं यतिन बेटा सिर्फ तुमको नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे कई बच्चे हैं, मैं बता रहा हूँ यहाँ 35 के अराउंड स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 35 में से कम 10 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने रिवाइज नहीं किया। ये हर उस बच्चे के लिए मैं बोल रहा हूँ, मेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, यतिन मेरे को ऐसा तो नहीं कि यतिन मेरे को पसंद नहीं इसलिए मैं उसको डांट रहा हूँ, मैं हर उस बच्चे को डांट रहा हूँ जिसने रिवाइज नहीं किया, नुकसान मेरा नहीं है बेटा। देखो बाकी लोगों के आंसर सही आ ही जाएंगे, मुझे मालूम है जिसने रिवाइज किया उसके आंसर सही आ रहे हैं, मैं तो उन आंसर को सही करके चला जाता, मैं तो बता देता आपको सही आंसर दिया और आगे बढ़ जाता, बट आपको कभी रियलाइज नहीं हुआ कि आप इतनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। तो प्लीज आगे से इस चीज का ध्यान रखें कि बिना रिवीजन के नहीं बैठे। और यतिन आपकी अगर पहली क्लास की डिफरेंशिएशन आपको पता है कि पुराना जो कुछ पढ़ चुके हैं उसका आप आगे ऐसा कोई यूज नहीं है, अभी फिलहाल के कुछ चैप्टर्स में पुराने बहुत बेसिक चैप्टर हैं, आप किसी से नोट्स ले लीजिए, मांग लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, स्टडी मटेरियल आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, ऐप अवेलेबल है, ऐप को एक्सप्लोर कर लीजिए, बट उस चैप्टर को आप बड़े आराम से कर सकते हो, बहुत बेसिक चैप्टर थे वो, बट ये अगले दो चैप्टर आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये दो चैप्टर आपसे मिस हो गए आई एम सॉरी, गड़बड़ा जाएगा मामला, फिजिक्स खत्म हो जाएगी इन दो चैप्टर में। चलो जो भी जिन लोगों का भी आंसर आया ये भी पता हो गया गलत है। चलो नाउ ये कितने लोग आंसर आया था, किस किस का सर? ये नीचे वाला आ रहा है सर, गलती से हमने उसका डिफरेंशिएशन कर दिया था। हाँ 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 अब गलतियां समझ में आ रही है बेटा, फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो ऐसे ही होगा।
क्या तुमने सॉल्व करते टाइम फॉर्मूला लिखा था बेटा? नो सर। और मैंने क्या बोला था क्लास में याद है सर? सर दूसरी बार कर लिख लिया सर फॉर्मूला। और फिर उसका आंसर सही आ गया यस और नो? यस सर। मतलब तुम्हें लगा कि यार टीचर अगर फॉर्मूला लिखने के लिए बोलता है तो कोई रीजन से बोलता है? यस सर। तो भाई पहली बार में मान लिया करो यार, इतना एक्सपीरियंस है, इतने तुम्हारे से इतने हजारों में बताऊ हजारों हजारों स्टूडेंट में पढ़ा चुका हूँ, मुझे मालूम है बच्चे गलतियां कहां करते हैं यार। ठीक है अभी शायद पता नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स 165-170 मार्क्स फिजिक्स में अचीव किए हैं, पास में हर साल करते हैं। आपको पता है टोटल मार्क्स फिजिक्स में कितने आते हैं, कितने मार्क्स से कोई पेपर आता है नीट में? सर 180 का। अच्छा किसी से भी बात करते हो तो आप पता है क्या एक्सपेक्ट करते हो तो मेरे लगभग कितने मार्क्स आ रहे थे सिलेक्शन के लिए, किसी को आइडिया है? मिनिमम बोल रहा हूँ फिजिक्स में कितना सोचते हैं क्या नहीं है, तो आप किसी से बात करके देखोगे बोलते हैं यार कम से कम 120-130 मार्क्स आ जाने चाहिए सिलेक्शन हो जाएगा फिजिक्स में, अगर बाकी सब्जेक्ट के अपने रिस्पेक्टिव मार्क्स आ रहे हैं तो। और मैं बता दे रहा हूँ कि सिलेक्शन आने के लिए 120-130 से ऊपर जाने में हालत खराब हो जाती है फिजिक्स में लोगों की। और आपको ये भी बता दे रहा हूँ, मैं विद प्रूफ बात करता हूँ, मेरे बच्चे जिनको मैंने फिजिक्स पढ़ाई हुई है पास किया, बहुत पुराने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2019 की बात कर लेता हूँ, 2019 में भी मेरे दो स्टूडेंट 165 और 166 मार्क्स अचीव किए हैं, समझ रहे हो? 165 आउट ऑफ 180 इन नीट 2019। तो भाई साहब कुछ तो सोच समझ के ही बातें करता हूँ मैं, उन्होंने मेरी बातें फॉलो की हैं क्योंकि मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से मैंने उनको जो जो चीजें बोली उन्होंने उस चीज को फॉलो किया है। 165-166 मार्क्स लाना हंसी मजाक बिल्कुल भी नहीं है, और मैं एक बच्चे की बात नहीं करता हूँ, ध्यान रखना, ये नहीं कि एक बच्चा लेके आ गया तो मैंने बोला सर मेरा तो बच्चा 160 ले गया, मैं कई बच्चों की बात कर रहा हूँ। दो बच्चे के मार्क्स तो मैं याद है इसलिए बोला 165 और 166, 140-150 प्लस तो कई सारे बच्चे अचीव कर चुके हैं अभी तक, ये लास्ट ईयर की बता रहा हूँ, और हर साल करते हैं और इस साल भी करेंगे और एवरी ईयर करेंगे, मैं बता रहा हूँ वही लोग जो मुझे फॉलो कर रहे होंगे। हाँ सर ने जो टीचर, किसी भी टीचर को आप फॉलो करोगे डेफिनेटली वो टीचर इतना एक्सपीरियंस होता है, वो अपने पास एक्सपीरियंस से उसको पता होता है कौन सा बच्चा कहाँ गलती कर रहा है। मैं एक एक आंसर देख के बता सकता हूँ बच्चे ने कौन से स्टेप में क्या गलतियां की है, शायद आपको पता भी चल गया होगा, मैंने पहले आंसर देख के बता दिया देखो उसने क्या गलती की, दूसरा आंसर देख के मैंने बता दिया कि देखो दूसरे बच्चे ने क्या गलतियां की है, ये आंसर देख के भी मुझे आइडिया था कि इसने क्या गलती की है। और देखो मैं गलत था, मैंने मेरे को आंसर अटे थोड़ी ना यहाँ सॉल्यूशन के, मतलब तुम्हारे सामने खड़े होकर क्वेश्चन बना रहा हूँ, बट मुझे दिख जाता है कि यार कौन सा क्वेश्चन में क्या गलती है, तो ये सब एक्सपीरियंस से आता है बेटा। तो थोड़ा सा टीचर की रिस्पेक्ट करो इस मामले में, यार टीचर की बात मान लेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिस्पेक्ट करो खड़े हो जाते हो ये सब नहीं चाहिए मुझे, टीचर की बात मानोगे फायदा आपका होगा। तो भाई साहब ये आंसर भी गलत है, और किसी का आया था ये आंसर? अपनी गलती जब तक नहीं पता चलेगी भाई साहब बिल्कुल शर्माए नहीं गलत आंसर बताने में और अपनी गलती को एक्सेप्ट करने में, जो जितनी गलतियां एक्सेप्ट करेगा और जो जितने गलत आंसर बताएगा वही बच्चा उतना ज्यादा अच्छा फिजिक्स सीखेगा, ये भी बता दे रहा हूँ, जो जितने ज्यादा करेक्ट आंसर लाता रहेगा वो फिजिक्स अच्छा सीखेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, जो जितने गलत आंसर बताता रहेगा वही अच्छा फिजिक्स सीखेगा, ये भी बता दे रहा हूँ। तो अगर किसी कृष्णा नाम है क्या तुम्हारा बेटा? यस सर सिंपल है ये जो आंसर आया शायद सही आंसर है, चलो देख लेते हैं। देखो भैया ये क्या है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, मैंने कहा इसको थोड़ी देर के लिए यू मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए वी मान लो, इसका मतलब y इक्वल टू क्या लिखा है u इनटू v, अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करनी है, तो भाई साहब डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज u या कह लो v इनटू du / dx प्लस u इनटू dv / dx, रख दो वैल्यू भाई साहब v रख दो, v क्या है यहां पे sin x और du / dx मतलब क्या हो गया इसका डिफरेंशिएशन, ये होता है 1 / x प्लस अब u का डेरिवेटिव रख दो, u क्या है यहां पे log x,
ठीक है, इनटू dv / dx मतलब sin x का डिफरेंशिएशन कितना होगा x के रिस्पेक्ट में, बोलोगे cos x, तो दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, चलो इसके आंसर बताओ। एक आंसर आया था शायद, फिर मैं बताऊं नेक्स्ट वन 2x का। हां प्रियांशी बोल सर, x और sin x कैंसिल नहीं हो सकते, x और x मल्टीप्लाई में है ना। दोनों अलग वैल्यू है, एक टर्म्स में है ही नहीं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक में। क्या आपको अपना आंसर मिल गया? यस सर, कैंसिल नहीं हो सकते हैं। सर ये एक फंक्शन है, ये साइन एक्स अकेला एक्स नहीं है, ये भाई साहब ये साइन ऑफ एक्स है ना, ये एक्स साइन का, साइन के अंदर है, साइन का आर्गुमेंट है, ये एक्स अलग नहीं रखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये आप बोलो सर ये डी से डी कैंसिल कर सकते हो? नो सर। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर ये डी अकेला नहीं है, ये डी भी एक टर्म है साथ में, जिसको हम बोलते हैं चेंज इन डी, है ना। ये डी इंटू वी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है डी वी का मतलब है चेंज इन वी, डेल्टा वी डी वाई, याद है ना, हम डी से डी कैंसिल नहीं कर सकते, डी वाई का मतलब क्या है चेंज इन वाई, डी इंटू वाई नहीं लिखा है वो, ऐसे ही साइन इंटू एक्स नहीं लिखा है वो साइन ऑफ एक्स है। क्लियर है? गुड, चलो और अच्छा इसका आंसर बताओ किसका आ रहा था सर, ln x 2x minus x, ln x 2x minus x upon ln x square, x के बाद ln upon ln x square। अरे बस इतना x नहीं छोड़ दूँ? नो सर, upon ln x square। ये यस सर, यस सर, सर फाइनल आंसर यही है, मेरा भी आंसर यही है, यस सर यही है। किसी और का कोई और आंसर आता हो, कोई बात नहीं, गलत भी आता तो आप बिल्कुल शर्माए नहीं, बट बताएं जरूर। कृष्णा? यस सर यही आ रहा है, और सर इधर मैंने कॉमन ले लिया सर, एक्स को कॉमन ले लिया क्योंकि और सिंपलीफाई कर, कोई बात नहीं। अंश, अंश आ गया, भाग गया, चलो देखते हैं कैसे आएगा। मैंने कहा देखो ये क्या है सर, इसको आप बोल के दो फंक्शन का डिवीजन है, इसको थोड़ी देर के लिए u मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए v मान लो, आपको पता है कि सर ये y इक्वल टू क्या दे रखा है, u / v दे रखा है। ठीक है, आपको क्या चाहिए इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, क्या चाहिए इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। मैंने कहा डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर dy / dx क्या होता है, v का स्क्वायर, आप क्या बोलोगे v को एज इट इज du / dx माइनस, अब u को एज इट इज इनटू dv / dx, वैल्यू पुट कर दो, v यहां पे क्या है ln ऑफ x है, तो ये लिख दिया ln ऑफ x, du / dx मतलब इसका x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x माइनस, अब u को एज इट इज रखा तो लिखोगे x स्क्वायर। अब आप बोलोगे dv / dx कितना होता है, सर dv / dx मतलब इसका, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x होल, नीचे क्या है v का स्क्वायर है, v का स्क्वायर मतलब ln x का होल स्क्वायर है, ये log base का होल स्क्वायर है। आप बोलोगे ये x की वैल्यू 1x की पावर से कैंसिल हो गया, तो जो आंसर आप लोगों ने बताया था वो ऑलमोस्ट सही था। अब ऑप्शन के हिसाब से जैसा भी आंसर देखा होगा आप रीअरेंज करके अपना आंसर दे सकते हैं। क्या इन दोनों क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। सर हाँ जी बोलो बेटा। सर जैसा आपने क्वेश्चन दिया, हम इसमें स्पेसिफाई कैसे करेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? कौन सा फॉर्मूला यूज हो गया, तुम्हें क्या लगता है इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता था? सर उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है कि क्लियर नहीं हो रहा कि कैसे समझे। मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है कि कौन कौन से फॉर्मूले के चांसेस हैं इसमें, कंफ्यूजन तो तब होगी तुम्हें लग रहा है एक से ज्यादा फॉर्मूले यूज हो सकते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले तुम्हें यूज होते हुए दिख रहे हैं?
यस सर मैं कुछ पूछा समझ में आया यस सर तो उसका आंसर भी तो दे दो आपको कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ यूज होते हुए दिख रहे हैं आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से फॉर्मूले यूज हो सकते हैं जिसमें तुम कंफ्यूज हो कि सर ये वाला करो कि ये वाला करो दीपक फुल दीपक यस सर व्हाई डिड यू म्यूट हिम सर मुझे वॉल्यूम क्लियर नहीं आया था मुझे लगा उसने गलती से ऑन करा इसलिए मैंने म्यूट कर दिया सर मेरे को पता नहीं था मैंने अभी जो रहा है कुछ बात कर रहा है मेरी तो आवाज क्लियर आ रही है ना बेटा सर यस सर मैंने अभी ज्वाइन करा है थोड़ी देर पहले ही अभी ज्वाइन किया है तो आप ऐसे किसी को भी म्यूट नहीं करें ओके सर सॉरी सर ये गलती से हो गया था यस सर आपने एक लिखवाया था y = log x नहीं ये 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 इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में तुम्हें कौन सा फॉर्मूला यूज होता हुआ दिख रहा है ये पूछ रहा हूं मैं सर आपने फॉर्मूला लिखाया था y = log x dy dx = 1 by x अच्छा तो क्या ये y = log x लिखा हुआ है फंक्शन यस सर क्या ये फंक्शन y = log x लिखा हुआ है नो सर तुम्हारा फॉर्मूला कितना था ओके सर तुमने रिवाइज किया स्पेसिफिक बताना है रिवाइज किया सर इतना फोकस के साथ नहीं किया था क्यों भाई फोकस इसके बाद छोड़ा है क्या सर मैं दूसरा सब्जेक्ट कर रहा था दो दिन से दूसरा सब्जेक्ट चल रहा था सर आज दूसरे चैप्टर में रिवाइज कर रहा था वो लर्न कर रहा था मैं थोड़ा नोट्स प्रिपेयर कर रहा था उसके आपको पता है उस प्रिपरेशन के चक्कर में वो तो आप प्रिपेयर कर रहे थे पता नहीं होगा कि नहीं होगा लेकिन ये वाला भी आपका चला गया आपको पता है नहीं सर मैं क्लियर करके कर लूंगा कवर ये नहीं कर पाओगे बेटा यही तो मैं कह रहा हूं अगर तुम टीचर के साथ नहीं कर पा रहे तो टीचर के बाद तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे तुम क्यों नहीं समझ रहे इस बात को तुम्हें चार रूल लिखा है चार रूल याद है तुम्हें बेटा यस सर चार रूल लिखवाए थे चार रूल याद है तुम्हें ना सर बिल्कुल मान लो आपको हर क्वेश्चन में डाउट आने वाला है सॉरी हर क्वेश्चन में आप फंसने वाले हैं क्योंकि आपको रूल ही नहीं पता रूल नहीं पता तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लोगे बेटा आप क्या सोचते हो मैंने रिवाइज नहीं किया मुझे रूल नहीं मालूम और मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सीरियसली टीचर आपको बता देगा कि सर ये क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला है अरे भाई तेरे को फॉर्मूले पता ही नहीं है तो डाउट तो रहेगा ना कि कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला रूल्स पढ़ोगे रूल्स याद होते तो तुम्हें अपने आप पता चल जाता है यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है उस रूल में लिखा हुआ है कि कब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बिना रूल पढ़े हुए तुम चाहते हो कि मुझे पता भी चल जाए कौन सा फॉर्मूला लगना है क्वेश्चन में सीरियसली नो सर तो कर तो वही रहना बेटा वो तो तुम्हें y = log x वाला तुम्हारे सामने लिखा है जो तुम बोल भी रहे हो कल को तुम्हें y = log x भी नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे बोलोगे सर ये log x कैसे सॉल्व करेंगे आपने तो फॉर्मूला ही पता ही नहीं मुझे कल को x स्क्वायर का भी तुम यही पूछोगे अगर x स्क्वायर का फॉर्मूला तुम्हें नहीं पता होगा कैसे पता चलेगा x स्क्वायर में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे कहने का मतलब समझो आपने रूल्स पढ़े ही नहीं है बेटा कैसे पता चलेंगे कि कब कौन सा लगेगा बेटा रूल्स पढ़ोगे तब तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है उन रूल्स का मतलब ये है उस रूल में यही लिखा है मैंने कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज होना है बट उसके लिए रूल्स आपको पता होने चाहिए रूल्स आपको याद होने चाहिए भाई साहब अगर फिजिक्स साथ साथ टीचर के नहीं चलोगे मैं फिर से कह रहा हूँ देखो पहली क्लास में कई लोग मिल गए और मैं आपको बोलता हूँ फिजिक्स परेशान कर लेता है साथ साथ जो चल रहे होंगे मेरे को बताना क्या डिफरेंशिएशन में कॉन्फिडेंस आ रहा है जो साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं जिन्होंने आंसर दिए आकाश कृष्णा आप बताओ क्या yes, क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता है यस सर प्रीति यस सर ये मेरे लिए नहीं बोल रहे बेटा ये अगर एफर्ट डाल रहे हैं इसलिए इनको मजा आ रहा है
और मैं बता रहा हूँ फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। पढ़ेंगे ना तब यार, कोई चीज हम नहीं सीखेंगे बिना सीखे। सपोज दैट मैं तुमको बोल दूं बेटा तुमको व्हीकल एक बाइक दे दूं और बाइक सही करना है, और बाइक का मैंने मैनुअल रख दिया बगल में सही करने का। अगर आप मैनुअल अगर आपको पढ़ लिया, आपको आता है कि यार कौन सा पार्ट कैसे सही होता है, तो आपको पता है बाइक खोलने में बड़ा मजा आएगा। मैनुअल मैं पढ़ूंगा नहीं सर, अब मेरे को पता चल जाएगा कि यार कौन से उसका क्या फंक्शन है, कैसे करना कर पाओगे तभी लाइफ में, बताओ मुझे कर पाओगे क्या, बाइक को ओपन भी कर पाओगे तुम? नो सर। यही फंडा है ना यार सिंपल सा, कि भाई साहब पहले आप उस मैनुअल को पढ़ लो। मैं कहता हूँ बाइक को ओपन करने में जो मजा आएगा ना अलग ही आता है भाई। मैकेनिक से पूछो भाई उनको बाइक खोलना कितना, पूरी बाइक खोल के रख देते हैं आपके सामने। कभी कोई बाइक अगर कभी रिपेयरिंग होते हुए देखोगे ना तो कहोगे अरे भाई साहब ये मैकेनिक अब इसको जोड़ेगा कैसे, एक एक पार्ट उठा के ऐसे फैला देते हैं वो। तो आपकी जो बाइक है जो आपको लगता है इतनी कॉम्पैक्ट है और वो उसको ऐसे खोल के रख देते हैं सामने, और आप एक घंटे बाद आते हो फिर से आपको बाइक पैक मिलती है और अच्छी तरीके से काम। क्यों? क्योंकि उनको पता है यार हर चीज का फंक्शन क्या है, हर चीज कहां से जोड़ेगी। लेकिन आपके लिए लगता है भाई साहब पता नहीं यार ये मुझे नहीं लगता ये जोड़ पाएगा कभी लाइफ में। जो नया बंदा आया ना उसको ऐसे लगे यार ये पता नहीं कैसे होगा, मैं बोलूं तू जोड़ लेगा भाई, मना कर देगा नहीं भाई मेरे से नहीं होगा। उस मैकेनिक से बोला अरे यार भाई हाथ का काम है यूं जोड़ दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि उसे कंसेप्ट पता है भाई, उसको मजा आएगा। पहली बार जब आप नई चीज जोड़ते हो तोड़ते हो ना तो बहुत मजा आता है। फिजिक्स ऐसी चीज है भाई, नए नए प्रॉब्लम। अभी आप 10th क्लास का बहुत बच्चों ऐसी हरकतें करके आए, बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करके आए हो, अब आपको अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स मिलेंगे ना तो सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। कोई भी सब्जेक्ट ले लो गारंटी बोल रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से ज्यादा मजा देगा अगर आपने अच्छे से किया है तो। आप पता क्या करोगे, अगर आपको फिजिक्स में मजा आ रहा है ना तो आप पता है बायो पढ़ पढ़ के अगर मान लो आज थक गए 2 घंटे बायो पढ़ ली यार अब थक गए, चलो रिफ्रेशमेंट के लिए बोलोगे 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फिजिक्स के, ऐसा मजा आता है फिजिक्स में बेटा। बट उसके लिए फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, टीचर के साथ नहीं चलोगे तो फिजिक्स तुम्हारा साथ छोड़ देगी, गारंटी ले लो इस बात का। चले भाई आगे बढ़े, आई एम सॉरी क्लास की स्टार्टिंग उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी अच्छी मुझे चाहिए होती है, आप लोग यार मुझे डिसअपॉइंट करते थे। चलो भाई बात करते हैं चेन रूल की। काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको मार्क कर लेना, इसके 5-6 प्रॉब्लम तो बहुत से सॉल्व कर लेना। चेन रूल कब यूज होता है सबसे पहले तो देखो, मैंने कहा सर अगर y एक फंक्शन है टाइम का या t का, t टाइम है, y किसका फंक्शन है t का फंक्शन है, मान लिया क्या किया y एक फंक्शन है t का, लेकिन मुझे पूछा क्या जा रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है dy by dx। यार y t का फंक्शन है और डिफरेंशिएशन मुझे x के रिस्पेक्ट में बात कर दी, समझ रहे हो? अगर मैं बोलूं sin t का डिफरेंशिएशन बताओ x के रिस्पेक्ट में, गलती से cos t मत बोल देना, t एक अलग इनपुट है, t एक अलग इनपुट है और x एक अलग इनपुट है, आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस पूछा जा रहा है ना, तो dy by dx पूछा जा रहा है, आप उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर पाते क्योंकि यार ये फंक्शन तो किसका है, t का फंक्शन है, ये x पे तो अभी डिपेंडेंसी पता ही नहीं है। हाँ t एक x का फंक्शन होगा, t एक x का फंक्शन होगा, ये बात अलग है। तो आपको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है, मैंने कहा मुझे dy by dx निकालना है तो देखो क्या करूंगा, मैंने कहा dy by dx को मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर भी dt से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ dy by dx को, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसमें मुझे कोई रोकेगा क्या? नहीं सर, dt से मल्टीप्लाई कर दिया, dt से हटा दिया, आपने वो कर दिया डिवाइड कर दिया, मैंने इनको जरा रीअरेंज कर लो, आप dy by dt into dt by dx ये तो कर सकते हो। आप बोलोगे dy by dx क्या हो रहा है, सर dy by dx क्या होगा कि सर y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, हाँ सर ये तो निकाल सकता हूँ, y तो t का ही फंक्शन है और t के फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आप बोलोगे इनटू में क्या लिख देना है, सर t का डिफरेंशिएशन x के लिए, सर सर वीडियो ब्लर है, वीडियो ब्लर हो गया, यस सर, सर
चलो कोई बात नहीं बेटा, शायद आपके एंड पे इश्यू आ रहा है, बाकी लोगों को आई थिंक वेरी इट इज वेरी क्लियर, तो थोड़ा पेशेंस रखो, एक आध मिनट में सही हो जाएगा, ठीक है? बाकी लोगों को क्लियर आ रहा है, ठीक है चार्ज बेटा? ओके सर, एक आध मिनट में अपने आप सही हो जाएगा, आपके एंड पे थोड़ी सी नेटवर्क इश्यू आ रहा होगा। चलो मेरी बातें सुनते रहो तो आपको पता चल जाएगा यहाँ क्या लिखा है। आवाज तो आ रही है ना बेटा सही? यस सर। तो फिर से सुना, मैंने कहा y किसका फंक्शन था, t का फंक्शन था, y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। डिफरेंशिएशन x रिस्पेक्ट में पूछा, सर फंक्शन t का है, डिफरेंशिएशन x रिस्पेक्ट में सर बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि कोई चीज t पे डिपेंड कर रही है और मैं x रिस्पेक्ट में कैसे बता दूं, मुश्किल है ना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? मैंने कहा सर लिख सकते हो आप, किसी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसे डिवाइड भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। अब मैं अगर रियलाइज करवा देखो क्या है, dy by dt आया, क्या है dy by dt, मतलब y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। हाँ सर ये कर सकता हूँ, क्योंकि y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, बिल्कुल सही सर। और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या जाएगा, dy by dx आ जाएगा, बस इतना सा चेन रूल है। क्योंकि यहाँ पे जब भी आपको y एक t का फंक्शन दिया जाएगा तो डेफिनेटली ध्यान रखना कि t किसका फंक्शन होगा सर, वो x का फंक्शन होगा, किसका फंक्शन होगा, वो x का फंक्शन होगा ऑलरेडी। कहने का मतलब है y अब डायरेक्टली x का फंक्शन नहीं होगा, y अब x के फंक्शन का फंक्शन होगा, तब चेन रूल लगाते हैं। मैंने कहा सर ये बात समझ में आ गई हो तो एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर होगी। मैंने कहा फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, x प्लस थ्री का होल स्क्वायर। अच्छा क्या ये y इक्वल टू डायरेक्टली x स्क्वायर दे रखा है क्या? अगर y equal to x square होता तो मैं बड़ा आराम से differentiate कर लेता। सर y equal to x square का differentiation x के respect में, मुझसे पूछा क्या गया है, यहाँ पे जरा देखो, मुझसे पूछा गया है dy by dx। सर ये x का function नहीं है, directly x का function नहीं है, x के function का function है। x square होता तो मैं बोलता सर x का function है, सर ये x plus 3 का whole square है। देखो y equal to x plus 3 एक अलग function होगा, ये एक अलग function है ना, ये x का फंक्शन है। आप बोलोगे सर ये इस फंक्शन का भी स्क्वायर है, मतलब आप क्या बोलोगे सर ये फंक्शन के फंक्शन का स्क्वायर है, x के फंक्शन का स्क्वायर है, राइट? ये डायरेक्टली x का स्क्वायर नहीं है। क्या आपको x plus 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है? नहीं सर। क्या आपको x स्क्वायर का फॉर्मूला आता है? हाँ सर। क्या मैं x स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगा सकता हूँ? आप बोलोगे नहीं सर, मैं कोई बात नहीं, आप क्या करो मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट t इज इक्वल टू x plus 3। मैंने क्या बोला, t x plus 3 को t मान लिया, कोई दिक्कत? मैंने कहा जरा बताओ अब ये y क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर y हो जाएगा t का स्क्वायर। सर ये y किसका फंक्शन हो गया? सर t का फंक्शन हो गया, वेरी गुड, मतलब ये वाली कंडीशन आ गई। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, आप बोलो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, x के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो dy / dx is equal to, क्या लिखोगे सर इसका तरीका क्या होगा, dy / dt निकालो पहले, y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, सर t का स्क्वायर है और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो क्या लिखोगे सर, t की पावर वही t की पावर n वाला फंक्शन लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 into t की पावर 1 मल्टीप्लाई में क्या लिखना है, dt by dx, t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। मैंने कहा वो यहां से मिल जाएगा, अगर t x plus 3 है तो dt by dx कितना हो जाएगा सर, x plus 3 का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन होता है प्लस 1 आ जाएगा और 3 का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो आप बोलोगे सर dt / dx की वैल्यू कितनी आ गई सर 1, तो आप बोलोगे into 1, तो आंसर कितना आ गया 2 into t, t की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है कितना है x plus 3, तो ये आ गया 2x, ये आ गया आपका dy / dx। ये बहुत सिंपल एग्जांपल लिया था, आपको कई सारे इसमें मिसकंसेप्शन भी बन रहे होंगे वो अभी क्लियर कर दूंगा, स्टेप आपको समझ में आने चाहिए, जहां पे भी डाउट हो वहीं रोक देना मुझे। मैंने कहा जरा एक और एग्जांपल लेते हैं, y is equal to sine of x square, clear ये बात? क्या ये y equal to sine x है? नहीं, अगर sine x होता तो उसका differentiation x respect में मैं कर पाता, मुझसे पूछा गया है dy by dx, sin x होता तो लिख देता cos x, बट ये sin x नहीं है, sin of x square है, क्या इसका ऐसा कोई फंक्शन आपको पता है? नो सर नहीं पता है, नहीं पता है तो क्या करो, कोई बात नहीं सर,
टी को क्या मान, टी मान लो एक्स स्क्वायर को, अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी मान लू तो मेरा वाई क्या हो जाएगा सर, वाई हो जाएगा साइन ऑफ टी स्क्वायर, सॉरी साइन ऑफ टी सर, साइन टी, समझ आ रहा है, साइन टी हो गया ठीक है सर, मुझे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स सर, बट ये फंक्शन किसका है, टी का फंक्शन है, कोई बात नहीं सर, अगर ये टी का फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन निकालेगा तो ये क्या हो गया, पहले y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो इनटू सर, अब t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर दो, ये तो फॉर्मूला हुआ मेरे पास, मेरे बहुत अच्छी बात है, y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, sin t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है, आप बोलोगे cos of t इनटू dt / dx, t यहां पर है x स्क्वायर है तो dt / dx कितना हो जाएगा, इसमें किसी को स्टेप में कोई दिक्कत, dt by dx कितना आएगा सर, 2x आएगा, dt by dx कितना आएगा 2x आएगा, तो आप बोलोगे सर यहां से आप निकालो तो बोलो dt by dx की वैल्यू कितनी आ गई 2x हो गई, मैं कह रहा हूं सॉल्व कर लो, तो ये 2x को मैं पहले लिख दे रहा हूं इनटू cos ऑफ t, t की वैल्यू आपको पता है कितनी है cos ऑफ स्क्वायर एंड दिस इज योर dy/dx, दिस इज योर चेन रूल, एनीवन एनी डाउट्स सर, बोलो सर, dt dx equals to 2x कैसे आया, dt by dx equal to 2x कैसे आया, t क्या है बेटा, square x square, x square, x square का differentiation मुझे किस respect में चाहिए, x, x square का differentiation कितना होता है x के respect में पता है सर, 2x क्या होता है, 2x कौन सी formula लगाया सर, 2x 2x sorry sir, x square by 2x square divided by x, तो सर उसकी एक पावर कम हो जाएगी, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो बेटा, फॉर्मूला याद है तुमको, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो, अंश आ चला गया, ये डिस्कनेक्ट हो गया क्या, अंश फॉर्मूला देखने चला गया क्या, नो सर साउंड मेरी आ नहीं रही थी, मैं कुछ बोल रहा था, हाँ अभी अभी आ रही है आपकी आवाज, आप मुझे बताओ आप कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो, फॉर्मूले मुझे बताना जरा, x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, सर एक्स की पावर 5 बेटा, फॉर्मूला पढ़ लो दोबारा से, अंश बेटा आपने फॉर्मूले एक भी नहीं पढ़ रखे, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला मैंने बताया डिफरेंशिएशन करते टाइम क्या होता है, आपको फॉर्मूला भी नहीं पता बेटा, रूल तो बहुत दूर की बात है, वो सबसे बेसिक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का पहला फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, आपको फॉर्मूला याद नहीं आंसर का सर, y equals to x की पावर n, हाँ जी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, dy dx equals to nx n minus 1, तो क्या ये x की पावर n का फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ पे, मुझे किसका डिफरेंशिएशन करना है, x की पावर 6 का, मतलब x की पावर n, फॉर्मूला बताओ बेटा जरा, बताओ क्या बताया अभी तुमने फॉर्मूला, सर डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस वन, पावर में 6 माइनस 1, तो ये कौन लगाएगा बेटा,
क्या है आंसर? सर 6x की पावर 5। आपने क्या बताया था आंसर? आप समझो, आपने बेटा बिल्कुल भी रिवाइज नहीं किया है। एग्जांपल इसके सॉल्व करने आपको खुद, तब जाके समझ में आएगा बेटा डिफरेंशिएशन, वरना बहुत परेशान हो जाओगे अंश। सबसे बेसिक रूल था ये। ये चीजें मैंने बता रखी है ना अंश बेटा, कोई नई चीज बता रहा हूँ क्या? नो सर, इसके एग्जांपल कर रखे हैं ना हमने। यस सर, यस्टरडे क्लास, लास्ट क्लास, दो दिन पहले हुई थी। क्योंकि हमने रिवाइज नहीं किया है इसलिए हमको ये दिक्कत आ रही है, बेसिक सी प्रॉब्लम है। आप समझ पा रहे हैं? यस सर। तो बेटा रिवाइज कर लो वरना आगे सब में प्रॉब्लम आने वाली है। यहाँ पे एक्स पावर 2 है, की पावर 2 में एन की वैल्यू कितनी है? 2। तो 2 बाहर आया तो कितना गया? 2 * एक्स की पावर 2 - 1 मतलब कितना हो गया? 1। तो 2 एक्स आ गया डिफरेंशिएशन इसका। हेलो सर, मैं पहले वाले एग्जांपल में y equals to x plus 3 में आपने dt by dx को 1 क्यों लिखा है? कौन सा वाला बोल रहे हो? पहले वाला। हाँ यही। यहाँ पे t की वैल्यू क्या है? x plus 3। अच्छा, dt by dx का मतलब क्या हुआ? क्या बोल रहा हूँ मैं? dt by dx का मतलब क्या हुआ? x इस t का differentiation, मतलब x का differentiation, x plus 3 का differentiation। बताओ सर, x plus 3 का differentiation कितना है ना? सर यहाँ पे एक्स की पावर तो कुछ भी नहीं है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो रहा है। एक्स की पावर कुछ भी नहीं है ये। यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है? यहाँ पे भी वन है, वन है अभी तो। एक्स की पावर वन है। एक्स की पावर वन है ना? हाँ। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्स की पावर वन है मतलब इनकी ये वाला फॉर्मूला लगाओ जरा, कितना आएगा? ओ अच्छा ठीक है, वन आएगा सर। एक्स की पावर जीरो जाएगी तो इसका मतलब वन ही होता है ना? एक्स की पावर जीरो का मतलब वन होता है। इसी की क्लास की भाई, पहली क्लास में भी हमने, अभी इस क्लास की स्टार्टिंग में हमने बताया इंटीग्रल सर। फिर थ्री प्लस नहीं होगा क्या उसमें? प्लस में थ्री, प्लस में थ्री भी तो है, वो कहाँ जाएगा? थ्री का भी तो डिफरेंशिएशन करोगे। अच्छा, चार बेटर ईमानदारी से बताना, क्या हमने लास्ट क्लास वाले सारे फॉर्मूले सारे क्वेश्चन खुद पढ़े किए? सर बस रिवाइज करे थे। फिर रिवाइज कैसे ना बेटा? आपने जो एग्जांपल मैंने कराए उनको आप दोबारा, इसका मतलब अगर मैं वही एग्जांपल दे दूं क्या आप सॉल्व कर पाओगे? नो सर, इसका मतलब आपका रिवीजन कोई मतलब का नहीं बेटा। अगर मैं क्लास के एग्जांपल दोबारा पूछ लूं और आपको नहीं बनेंगे तो बेटा आगे कैसे होगा? तो फिर ऐसा रिवीजन किस काम का? इसीलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, जो जो रिवीजन नहीं कर रहा उसको प्रॉब्लम आएगी बेटा। और रिवीजन करने का तरीका भी होता है कि जो जो चीजें मैंने कराई हैं, जो एग्जांपल मैंने कराए वो मुझसे बनने चाहिए, तभी तो रिवीजन का मतलब हुआ ना। यस सर। बेटा ये कांस्टेंट है, दूसरा रूल मैं लिखवा रखा है, दूसरा फॉर्मूला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आता है? जीरो। दूसरा ही रूल फॉर्मूला लिखा हुआ है बेटा तुम्हारे नोट्स में, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो। सर बनाया है, y = c कांस्टेंट याद आता है। ये दिक्कत पता है क्यों फेस कर रहे हो? क्योंकि मैंने जो एग्जांपल कराए ना इसके बाद, वो आपने नहीं किए, वो एग्जांपल से देखने चाहिए होंगे बेटा, खुद सॉल्व करने होते हैं सारे एग्जांपल। फिजिक्स की कोई भी क्लास आप कर रहे हो, जब तक कि सारे एग्जांपल आप खुद सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे। और ये छोटे छोटे
सबसे बेसिक एग्जांपल है यार ये, इसमें पढ़ रहे हो आप। आज मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Sorry. जो बात मैंने अंश के लिए बोली ऐसे नहीं, कोई बात नहीं बेटा, सॉरी मुझे मत बोलो, मैं बता रहा हूँ आप मेरे लिए कुछ गलत नहीं कर रहे हो, ये नुकसान आप अपना खुद कर रहे हो, आप अपने आप को सॉरी बोलो बेटा। ये जो मैं अंश को जितनी बातें बोली वो आपके भी वही है, और ऐसे आप लोग कोई बात नहीं, आपने कम से कम ये एक्सेप्ट तो किया, बाकी लोग अभी कई लोग बैठे ये चीज एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये उनके लिए प्रॉब्लम आएगी। देख लो आपके सामने एग्जाम्पल है, बाकी जो बच्चे इनके एग्जाम्पल खटाखट मुझे दे रहे हैं ना आंसर, उन्होंने क्योंकि वो प्रॉपर प्रैक्टिस की है, उनके लिए मैं कोई अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ उनको, या फिर वो कहीं अलग से नहीं पढ़ रहे हैं, इस बात की भी गारंटी है, वो इसी क्लास से पढ़ रहे हैं, इसी क्लास के एग्जाम्पल्स खुद कर रहे हैं और खुद वो रिविजन कर रहे हैं, एंड इसलिए उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही है बेटा। और फिजिक्स में तो साथ साथ डेली का डेली होना चाहिए बेटा, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी, इस बात को थोड़ा समझो, ठीक है बेटा। ओके सर, चाहत आगे से अगली क्लास में ये गलतियां नहीं हो। ओके सर, ओके सर, चलो बाकी किसी को और कोई दिक्कत सर? हाँ बेटा बोलो ना सर। सर ये सेकंड क्वेश्चन में अगर y is equal to sin x का होल स्क्वायर होता फिर क्या होता? y is equal to sin x का होल स्क्वायर होता, उसका भी आता है। चलो मैं वो भी अगला एग्जांपल हो लेते हैं, तुमने बोल दिया तो इसमें कुछ और कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो वरना आगे मैं रेस कर रहा हूं। चेन रूल खत्म हो गया, अगर आपको ये चीज दो एग्जांपल तीन एग्जांपल समझ में आ गए तो इसका मतलब चेन रूल खत्म। चलो भाई बच्चे ने पूछा है तो इन्होंने बोला कि सर साइन एक्स का होल स्क्वायर होता तो कैसे सॉल्व करते। अच्छा जरा सोचो, क्या मैं एक्स स्क्वायर का आता है मुझे रिजल्ट? हाँ सर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तो मुझे आ जाता, लेकिन ये एक्स स्क्वायर ना, वो क्या है, एक्स का एक फंक्शन है उसका स्क्वायर है। साइन एक्स क्या है? एक्स का एक फंक्शन है और ये उसका भी स्क्वायर है। तो अगर मैं टी को साइन एक्स को क्या मान लू, थोड़ी देर के लिए टी मान लू, अब जरा देखो फॉर्मेट क्या आ गया, dy by dx निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पहले dy by dt इंटू जो आपने एज्यूम किया है उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, dy by dt मतलब इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो बताओ t square का डिफरेंशिएशन कितना होगा? अनस आप ही बताओगे t square का डिफरेंशिएशन? मैंने कहा वैल्यू रख दो तो क्या आ गया, दिस इज योर आंसर, क्लियर है? Yes, sir. सर आपको x स्क्वायर का आता था लेकिन किसी फंक्शन के स्क्वायर का नहीं आता था, तो आपने उसे x स्क्वायर जैसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या मान लिया, उसको t मान लिया, अब देखो t स्क्वायर जैसा हो गया, ठीक है। तो हमें जो फॉर्मूले हमें जिस फॉर्मेट में आते हैं उस फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, हमको बस यही चेन रूल होता है और कुछ भी नहीं। चेन रूल ऐसे तो क्या हो सकता है, वो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन तीसरा फंक्शन ऐसे तीन लेवल तक भी जा सकता है, लेकिन वो आपके मतलब का नहीं है, ठीक है। आपको दो लेवल के लिए ये भी मैं बता दें, ये भी आपके लेवल से काफी ऊपर आ गया। आई होप अब देखो इस चेन रूल का यूज करके हमको शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं डायरेक्टली। शॉर्ट ट्रिक क्या बना ली मैंने, कहा अगर फंक्शन इस फॉर्मेट में है ax प्लस b वाले फॉर्मेट में, ठीक है, अगर मैंने बोला इसका मतलब क्या है कि सर एग्जाम्पल समझते हैं, अगर y इज इक्वल टू, चलो 2x
प्लस फाइव का होल स्क्वायर। तेरा देखो, मैंने कहा सर अगर ये x का स्क्वायर होता, क्या होता, x का स्क्वायर होता, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं उसका आंसर क्या लिखते हैं? सर आप लिख देते हैं सर x का स्क्वायर होता तो 2x, 2x लिख देते हैं, लेकिन ये x का स्क्वायर नहीं, चलो और हाई पावर मान लो, चलो 5 मान लेते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? सर आप बोलोगे सर इसको क्या मान लोगे थोड़ी देर के लिए, t मान लो 2x plus 5 को, तो dt by dx कितना आ जाएगा सर? वो आ जाएगा 2। जिस स्टेप में आपको दिक्कत हो उसी स्टेप में वहीं रोक देना एनीवन। मैंने कहा सर मुझे तो चाहिए है पहले y को फॉर्म में, देखो y क्या हो जाएगा, 2x plus y को आपने t रख दिया तो हो गया ये t की पावर 5। आपको चाहिए dy by dx, सर ये फंक्शन t का है लेकिन डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो इसको कैसे लिख देते हैं, dy by dt into dt by dx। मैंने कहा y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, सर t के मतलब t की पावर 5 का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना आएगा? आप बोलोगे 5 into t की पावर 4 into dt by dx, निकाल चुके हैं ऑलरेडी कितना है 2 है, तो आपका जो आंसर आया वो कितना है 5 into t की पावर 4, मतलब कितना हो गया 2x plus 5 की पावर 4, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, आपने बोला कि सर अगर ये ऐसा आ जाता तो हुआ क्या, यहां पे देखो अगर x की पावर 5 होता तो आंसर कितना होता 5 into x की पावर 4, यही होता 5 into x की पावर 4, ये साथ में 2 और मल्टीप्लाई हो गया, ये क्यों हो गया, क्योंकि ये x का कोफिशिएंट है। कहने का मतलब ये है कि अगर y ऐसे दे रखा है y is equal to ax plus b का होल स्क्वायर दे रखा है, y is equal to क्या दे रखा है ax plus b का होल स्क्वायर दे रखा है, तो dy by dx क्या हो जाएगा सर? इसको पूरे को x मान के सॉल्व करते तो कितना हो जाता, या कोई भी पावर n है तो आप बोलते अगर मैं इस फंक्शन को थोड़े के लिए अज्यूम कर लूं ये x है, तो ये क्या लिख लोगे n into, इसको x मान लिया था तो आप बोलोगे ax plus b की पावर n minus 1, ऐसे ही तो हो गया। अगर यहां पे देखिए ध्यान रखना ये x की पावर यहां 1 होनी चाहिए, अगर x की पावर n की जगह पे ऐसा कोई फॉर्मेट है ax plus b की पावर n है तो आप उसको ऐसे लिख दोगे n into ax plus b की पावर n minus 1 into x का जो भी कोफिशिएंट है उससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उससे और मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो जरा देखो अगर x की पावर n होता तो आंसर क्या लिखते n into x की पावर n minus 1, लेकिन अब यहां पे x ना होके क्या है ax plus b का फॉर्म है तो मैंने उसको डायरेक्ट यूज किया, साथ ही साथ मैंने कहा x का जो कोफिशिएंट है उससे और मल्टीप्लाई कर देना है, देखो वही किया मैंने, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका हर जगह रहेगा। मैंने कहा सर सपोज दैट इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ, दोबारा बता दीजिए, क्या बताऊं दोबारा बेटा सर, ये y इज इक्वल टू f और ये ब्रैकेट में x plus b से, एक बार बता दीजिए, समझ में नहीं आया मेरे को बेटा, वही स्टेप होगा करो, या तो स्पेसिफिक स्टेप बताओ कौन से स्टेप है, बार बार ऐसा मत करना दोबारा बता दो, जो स्टेप नहीं समझ में वही रोका करो सर। ये जो आप एक सेकंड, अब चलो मैं बता रहा हूँ अभी आगे से याद रखना। मैंने कहा x की पावर n होता तो क्या करते बेटा, क्या लिखते तुम बोलो, n n into में x और उसकी पावर जाती है n minus 1। मैंने कहा यार देखो ये इसी को मैंने अंदर जो फॉर जो फंक्शन था मैंने वही लिखा n into ये जो फंक्शन था उसकी पावर n minus 1, क्लियर, लेकिन साथ में ही x का कोफिशिएंट से मेरे को मल्टीप्लाई और करना है, साथ में जो x का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई और करना है, इस चीज का ध्यान रखना है अगर वो इस फॉर्मेट में दिया है। ऐसा ही था ये फॉर्मेट, मैंने चेन रूल से निकाला था, मुझे ये चेन रूल से, ये चेन रूल से आया मेरा, ये रिलेशन कहां से आया, चेन रूल से आया। देखो पावर जो थी बाहर मल्टीप्लाई हो गई, ये फंक्शन की पावर 4 हो गई और x का जो कोफिशिएंट था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा कि देखो साइन ऑफ 2x है तो आप बोलते साइन ऑफ ax प्लस b भी होता, मैं तो साइन ऑफ ax प्लस b अगर साइन x होता तो क्या हो जाता cos x, तो मैंने कहा अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा तो पता क्या करूंगा, सिंपल लिखूंगा cos
और जो फंक्शन है वो लिख लूंगा ए एक्स प्लस बी, बस यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो दैट इज योर आंसर। अगेन चेन रूल लगाया मैंने और कुछ नहीं किया, ये चेन रूल से ही आया, मैंने अब आपको डायरेक्टली बता दिया। मतलब अगर x, ध्यान रखना ये a और b कुछ कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, इनमें b की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, मतलब केवल अगर साइन 3x है तो वो भी इसी फॉर्मेट में है जहां पे b की वैल्यू कितनी है, जीरो है। अगर x की पावर 1 की जगह पे x की पावर 1 ही रहता है लेकिन साथ में a और b ऐसे फॉर्मेट में आ जाते हैं, तो उनका डिफरेंशिएशन आप क्या करोगे, सिंपली डिफरेंशिएशन कर दो, x की जगह पे वो फॉर्मूला लिख दो, बट साथ ही साथ x का जो भी कोफिशिएंट है प्रॉपर साइन के साथ उससे मल्टीप्लाई और करना होगा आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए, कुछ भी कर लो आप। ठीक है, मैंने कहा अगर इसी तरीके से मैं हमेशा क्या मानूंगा y is equal to log of ax plus b है। और सर अगर यहाँ पे ax square plus bx होता sin के अंदर, मतलब x की पावर 1 होनी चाहिए, मैंने पहले बोला अगर अगर ज्यादा कुछ x की पावर कोई और आ रही है तो प्रॉपर चेन रूल लगाना पड़ेगा आपको। ओके सर, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक में मैंने पहले लिखा देखो ए एक्स प्लस बी मतलब एक्स की पावर 1 ही होनी चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ चीज को, अगर एक्स की पावर कोई और हुई आपको चेन रूल ही लगाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ आप इसको भी चेन रूल से सॉल्व करोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बस शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो चेन रूल से तो आंसर आएगा ही आएगा। इसमें चेन रूल लगाया दो तीन स्टेप में आंसर आता है, बहुत लंबा नहीं आएगा। ठीक है, मैंने तो कहा अगर आपको ये याद रह जाता है तो, नहीं तो चेन रूल जिंदाबाद, रूल सीख लो, बात खत्म। मैं जनरली शॉर्ट ट्रिक में बिलीव नहीं करता हूँ, बस बता जरूर देता हूँ, वरना बच्चों को लगता है दूसरे मास्टर शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, मेरा मास्टर शॉर्ट ट्रिक नहीं बताता। मैं कहता हूँ जो मास्टर शॉर्ट ट्रिक बताता है, ठीक है, और केवल शॉर्ट ट्रिक को यूज करने के लिए बोलता है, वो कभी भी आपके नंबर नहीं ला सकता। चैलेंज के साथ बोल देता हूँ, चैलेंज के साथ बोलता हूँ मैं, आज के पेपर्स में अगर आप मार्क्स तभी लाओगे जब आपको चेन रूल या कोई भी रूल आपको प्रॉपर अप्लाई करना आता है। मैं शॉर्ट ट्रिक से बताने के लिए बता रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम मैं आपको बोलूंगा हमेशा चेन रूल याद, अगर याद रह जाए तो ठीक है, नहीं याद रह जाए तो चेन रूल से आप हमेशा सॉल्व करोगे। मैं कभी नहीं कहूंगा कि शॉर्ट ट्रिक रटना है आपको, मैं फिजिक्स में कोई चीज रटने को नहीं बोलता, मैं सिर्फ उन लोगों की आत्मा की संतुष्टि के लिए शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जिनको लगता है सर शॉर्ट ट्रिक नहीं बताता मेरा मास्टर, मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक नहीं बिलीव करता, ध्यान रखना। इसीलिए मैं कहता हूँ हर चीज कंसेप्ट से अगर आपकी गलती नहीं होगी, क्योंकि जो नीट का पेपर बना रहा है ना उसको पता है शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, और वो शॉर्ट ट्रिक जहां जहां लग रही होगी वो क्वेश्चन कभी देगा ही नहीं। इसकी लिमिटेशन है ना, x की पावर 1 ही होनी चाहिए तभी ये शॉर्ट ट्रिक काम करेगी, तो x की पावर 1 वाला क्यों पूछेगा भाई, वो x की पावर 2 रख देगा। अब लगा लो शॉर्ट ट्रिक, और आप तब भी शॉर्ट ट्रिक लगा दोगे गलत कर दोगे, और जिसने चेन रूल से आदत डाल रखी है वो कभी गलत नहीं करेगा। तो शॉर्ट ट्रिक तो आज की डेट में हिट करती ही नहीं है, वो तो ठीक है कभी अगर आ रहा है तो आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चेन रूल मैंने आपको सिखा दिया। मैंने कहा देखो इसका आंसर बता पाओगे सर, अगर यहाँ x होता तो आंसर क्या होता, 1 by x होता, अगर log ax plus b की जगह पे log of x होता तो आंसर कितना होता, 1 by x होता। तो मैंने कहा यहाँ पे क्या सिर्फ ax plus b आ गया तो आप क्या बोलोगे, 1 by ax plus b। हाँ x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई और करना है, so that is your answer। तो ये फॉर्मूले आपको अप्लाई, ये भी रटना नहीं है, ये मैंने सिखा दिया कि कैसे अप्लाई करना है, अगर आ गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चेन रूल आ गया सबसे अच्छी बात है, चेन रूल आ गया आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपके लेवल में बचेगा नहीं। इसमें किसी कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़े। एनीवन एनी डाउट्स, चलो डीवाईडी बताओ क्विकली,
दोनों में डिवाइड इशू था। सर फर्स्ट का ई टू एक्स इंटू टू और क्या आंसर? भाई बाकी लोग आंसर नहीं आ रहे, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। माइनस टू मल्टीप्लाई में ई की पावर माइनस टू एक्स। ऐसा? यस सर। एनीबडी एल्स? और कोई आंसर? ई की पावर माइनस टू एक्स ही रहेगा। तो ई की पावर माइनस टू एक्स केवल ई की पावर माइनस टू एक्स। यस सर। दैट्स इट सर। ई की पावर माइनस टू एक्स। सर माइनस टू ई की पावर माइनस टू एक्स। यस। मैं इनके अलावा कोई आंसर बताओ। देखो आपने वाला क्या क्वेश्चन है, ई की पावर माइनस ऑफ टू एक्स, ये कौन से फॉर्मेट में है? सर ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में बिल्कुल है, जहां पे ए की वैल्यू है माइनस टू और बी की वैल्यू है जीरो। तो आप क्या करोगे, अगर ए की पावर एक्स होता है तो एक सेकंड बेटा, आप बोलोगे ई की पावर माइनस टू एक्स है, तो आप बोलोगे अगर ई की पावर एक्स होता तो आंसर ई की पावर एक्स ही आता है। तो ई की पावर माइनस टू एक्स अभी कितना होगा, ई की पावर माइनस टू एक्स होगा, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट यहां पर कितना है माइनस टू, तो उसे माइनस टू से मल्टीप्लाई करना। सर मेरे को माइनस दिखा नहीं साइन, सर ऊपर लिखा है ना, थोड़ा मेरे को दिखा नहीं। कैसे देखता है बेटा, आंख बंद करके देख रहा है क्या? सर उसके आगे रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है, उसने दिखा नहीं मुझे। अच्छा चलो कोई बात, मान लिया आपकी बात, रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है शायद इसलिए नहीं दिख रहा हो, ठीक है कोई बात नहीं। क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. बाकी लोगों को समझ में आ गया जिन्होंने गलतियां की हैं? ये कौन था, ये किसने बोला था आंसर? सर हाँ कृष्णा बेटा। यस सर। गलती समझ में आ गई? यस सर। गलतियां ना करो, चलो इसका आंसर बोलो जल्दी। सर वन बाय टी इंटू कॉस एक्स। वन बाय टी, सॉरी सर यही दिया था पहले आकाश ने। यही दिया था। देखो सीधी सी बात है, चेन रूल लग रहा है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, ये लॉग ऑफ एक्स नहीं है, ये लॉग ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स है। मैं इसमें क्या मान लूंगा सर, टी मान लेता हूँ साइन एक्स को। आपने बोला डीवाई बाई डी एक्स के लिए फॉर्मूला क्या रखा है, डीवाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि अब वाई कितना हो गया था, वाई अब लॉग ऑफ टी हो गया था, तब आप ऐसे निकालोगे डीवाई बाई डी एक्स, तो dy by dt, तो log t का डिफरेंशिएशन t के रूप में हो जाएगा cos x जो ऐड हो जाता है 1 by x मल्टीप्लाई में cos x। वेट वेट आप गलत हो गया, आप देखिए आपने बोला log t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, आप बोलोगे सर 1 by t होगा, ठीक है into dt by dx, सर ये t है तो dt by dx कितना होगा, सर dt by dx हो जाएगा cos x, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया cos x से। अब t की वैल्यू क्या है, सर t की वैल्यू sin x है, तो आंसर इज cos x / sin x, दिस इज योर आंसर।
हाँ अनस क्या लास्ट में कौन बोल रहा था कुछ वन बाय एक्स बोल रहा था सर मैंने बोला था सर मैंने बोला टी को मतलब लेखा नहीं था तो मैंने कॉस एक्स वाई डी एक्स बता देता हूँ सॉरी देखो भाई साहब टी कौन है मुझे क्या पता टी कौन है भाई साहब कुछ कुछ लोग उसको पी बोल देंगे है ना तो आंसर में पी थोड़ा लिखा होगा मैंने तो वेरिएबल टी बोल दिया कुछ लोग उसको एम बोल सकते हैं तो भाई साहब हमेशा ऐसी चीजें रखें जो आपको सबको पता हो चलिए क्लियर है इसमें किसी कोई डाउट सर साइन एक्स को कॉस एक्स भी तो लिख सकते हैं सिंपलीफाई करके तो साइन एक्स और कॉस एक्स ही तो लिखा हुआ डिफरेंशिएशन बेटा सर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स में कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स क्यों बेटा ये डिफरेंशिएशन करने के बाद आया है साइन एक्स इसका एक बार और डिफरेंशिएशन क्यों लिखोगे ओके सर ठीक है तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स भी तो लिख सकती थी भाई यहां पर हिसाब से तो ये डिफरेंशिएशन करने के बाद आया है ये जो वैल्यू आई है किसकी आ रही है सर dy / dx की आ रही है dy / dx की वैल्यू ऑलरेडी आ गई cos x / sin x अब मैं इसको sin x को cos x में कन्वर्ट कर दूंगा अरे मेहरबान है कन्वर्ट कर दूंगा जब cos x को डिफरेंशिएट करते हो तब sin x आता है बेटा ये तो sin x यहां वैल्यू आ गई अब अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तब जाके cos x आएगा ना अब इसको डिफरेंशिएट दोबारा क्यों करना है वही तो एक बार करना था कर दिया मैंने सर इसकी पूरी वैल्यू को कॉटेक्स लिख सकते हैं ना अरे यार कैसी बातें कर दी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया मुझे पता भी नहीं है यार ये तो ऐसा बोल दिया कि अगर आंसर तुम्हारा 4 बाय 2 आ गया तो कुछ लोग उसको 2 भी लिख सकते हैं कैसे डाउट पूछ रहा है हीरो क्यों नहीं लिख सकते हैं कोई रोकेगा मुझे ऑप्शन में देखना है ऑप्शन में क्या आंसर दे रखा है उससे हिसाब से टिक करोगे ना कॉटेक्स लिख सकते अरे वो तो ये यार cos x / sin x cot x होता तो क्यों नहीं लिख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछोगे यार 2 into 2 ऐसा 4 लिख सकते हैं क्या ये बात है कि डिफरेंशिएशन की जिसकी बात है ये डिफरेंशिएशन की अब बात करते हैं हम इंटीग्रेशन की ये तो बात है इंटीग्रेशन व्हाट इज इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं समेशन एडिशन जैसे डिफरेंशिएशन क्या था सर बड़ी सी चीज को बड़े फंक्शन को छोटे 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 पार्ट में डिवाइड कर देना छोटे छोटे चेंजेस में डिवाइड कर देना वो होता है डिफरेंशिएशन और उस टाइम पे मैंने बोला था कि इंटीग्रेशन क्या होगा इन सारे छोटे छोटे पार्ट्स को कंबाइन करके बड़ी वैल्यू निकालना वो होता है इंटीग्रेशन मैंने बताया कोहली ने अगर मान लो 40 बॉल्स में 50 रन बनाए हैं तो आपने क्या बोला हर बॉल के स्कोर को ब्रेक कर दो पहली बॉल पे इतने दूसरी पे इतने तीसरी पे इतने तो हर बॉल में कितना स्कोर में चेंज आया वो होगा डिफरेंशिएशन हर बॉल के स्कोर को आपने ब्रेक करके किया मतलब क्या कर दिया आपने तोड़ दिया छोटे छोटे चेंजेस में ब्रेक कर लिया पहली बॉल में इतना चेंज हुआ रन में दूसरी बॉल में इतना चेंज हुआ तीसरी में इतना चेंज हुआ चौथी में इतना चेंज हुआ और वो सारे चेंजेस को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे मालूम है 50 रन मिल जाएंगे मुझे तो 50 रन को ब्रेक करना इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन इन हर बॉल में छोटे छोटे चेंजेस में और उन सारे छोटे चेंजेस को ऐड कर देना दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन दैट इज ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन क्या ये बात समझ में आई अरे आया ना यस सर अरे समझ में आई तो ठोको डाली हैं इतनी सी बात थी इंटीग्रेशन और समेशन अरे ऐसे तो करते हैं यार लोग समझ में आते तो हंसते हैं ना यार ठोको डाली तो भैया अगर ये समझ में आ गया तो मतलब ठोको डाली है ना समझ में आ गया इंटीग्रेशन खत्म इंटीग्रेशन इतना ही है इंटीग्रेशन क्या इतना ही है बस समेशन मैंने कहा इसको हम क्या बोलते हैं ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑपोजिट ऑफ अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा क्या करूंगा डिफरेंशिएट करूंगा तो लिखने का तरीका क्या होता है dy / dx वो क्या हो जाएगा उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन मतलब f डैश x आ जाएगा
क्लियर। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए, सर y इज इक्वल टू एफ एक्स मिल जाना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आप बोलोगे dy/dx क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स मिल जाएगा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो वापस से मुझे क्या मिल जानी चाहिए, सेम चीज मिल जाएगी, तभी तो बोलो ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन है ये। तो मुझे क्या मिल जाएगा, y इज अ फंक्शन ऑफ x, मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, सबको ये विश्वास है इस चीज पे, आया ना? यस सर। बहुत अच्छी बात है। yes, मैंने कहा फॉर एग्जांपल कोई मुझसे पूछे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, ऐसे पूछे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो अब क्या बोलोगे, सर ये बताओ एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है। मैंने कहा सर अगर मैं क्या करूं, एक्स स्क्वायर किसके डिफरेंशिएशन से आया होगा, मैं क्या डिफरेंशिएशन करते टाइम आपने क्या होगा, सर एक तो इसकी पावर से क्या किया होगा आपने, क्या क्या होगा आपने, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा इजी सा एग्जांपल लेते हैं आपको समझना है। मैंने कहा मान लो y इज इक्वल टू क्या है, x क्यूब है, मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो आप बोलोगे सर dy/dx में आ गया, आप बोलोगे 3x² आ गया, आगे कि नहीं आ गया। मैंने कहा 3x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर y इज इक्वल टू, आप देखो आपने बोला कि सर आंसर क्या आना चाहिए, एक्स क्यूब आना चाहिए, आप वन करके ये आना चाहिए। मैंने कहा फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने देखो इसका इंटीग्रेशन करना था तो मैंने इसकी पावर जो थी उसमें क्या कर दिया, प्लस वन कर दिया, क्या क्या मैंने सर एक्चुअली इसको ऐसे लिखा है, पावर में प्लस वन किया, देखो यहाँ पे क्या था, पावर टू थी, मैंने क्या लिखा है, टू प्लस वन, साथ में थ्री था, यहाँ तो थ्री गायब हो चुका है, इसका मतलब मैंने इसको थ्री से डिवाइड कर दिया, ये तो किया मैंने। मैंने कहा सर 3x² को मैं कैसे कन्वर्ट करूं कि मेरा ये आंसर आ जाएगा, आपने बोला कि सर 3x² में x की पावर को क्या कर दो, 2+1 कर दो, और पूरी क्वांटिटी को क्या कर दो, डिवाइड कर दो 3 से, तो x क्यूब आ जाएगा, आया ना, ये बात समझ में आई। तो आप बोलोगे इसीलिए अगर मैं पूछूं x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक तो इंटीग्रेशन लिखने का तरीका और सीख ले, देखो जैसे dy/dx = 3x² हुआ तो आप बोलते हो केवल मैं इसकी बात करूं, अगर dy/dx = 3x² है तो इंटीग्रेशन लिखने का तरीका क्या होगा, सर ये dx को हम इधर लेके जाते हैं, आप बोलोगे सर dy = 3x² dx। अभी ये क्या पता, सर ये छोटा सा चेंज आया y में, मैंने कहा ऐसे सारे छोटे चेंजेस को मैं ऐड कर दूंगा तो y मिल जाएगा, एक बॉल का चेंज आया मेरे पास, सारी बॉल का चेंज मैं ऐड कर दूंगा तो सारी बॉल का मतलब टोटल स्कोर मिल जाएगा, आया ना? तो आप क्या बोलोगे, इसको ऐसे करते हैं इंटीग्रेशन, ऐसे लिख देते हैं, तो ये होता है इंटीग्रेशन का साइन, ये क्या होता है इंटीग्रेशन का साइन होता है। तो इस dy को इंटीग्रेशन करते हो तो आप बोलोगे टोटल y आ जाएगा, dy छोटे 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 चेंजेस इन द y विल बिकम्स y। सिमिलरली आप बोलोगे ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, सर ये आ गई x क्यूब के बराबर, इसका मतलब क्या हो गया, 3x² का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x है। आई होप दिस इज, ये लिखने का तरीका है, ये साइन इंटीग्रेशन का साइन है। अब जरा देखो आपने बोला सर अगर मैं x की पावर m का इंटीग्रेशन निकालना चाहता हूं, कोई मुझसे पूछे ये कितना होगा, देखो तरीका क्या था कि x की पावर जो भी है उसमें प्लस वन कर देना है अपॉन, और नीचे किससे डिवाइड कर देना है, सर ये जो प्लस वन हो गया है उससे, थ्री आया ना, थ्री से डिवाइड किया, आप बोलोगे सर ये रूल बनता है, फिर से देखो जब डिफरेंशिएशन करते थे तो पावर में माइनस वन करते थे और जो भी पावर होती थी उससे मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन हर प्रोसेस उल्टा होगा, सर जो भी कुछ आपका पावर थी पहली पुरानी वाली पावर उससे तो डिवाइड कर दोगे और पावर में वापस से प्लस वन कर दोगे, डिफरेंशिएशन में पावर माइनस वन करते थे और जो पुरानी वाली पावर है उससे क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। मैंने कहा इसका उल्टा प्रोसेस है कि जो भी पावर आपने मल्टीप्लाई की थी पुरानी वाली
उससे तो डिवाइड कर दिया। और पुरानी वाली पावर आई कैसे, कि जो पावर है उस पर प्लस वन करके, देखो यहाँ पे प्लस वन कर दिया। उल्टा प्रोसेस है कि नहीं है पहले मुझे ये बताओ, ये बात समझ में आई ये डिफरेंशिएशन उल्टा प्रोसेस है इंटीग्रेशन का? यस सर, यस सर, यस सर। आप बस एक चीज और देखो, मैंने कहा सर अगर मैं एक्स क्यू प्लस टू का अगर डिफरेंशिएशन करूंगा तो आंसर कितना आएगा बताया कोई? 3x2 सर यही आएगा। मतलब मैं x cube का differentiation भी यही था और x cube plus 2 का differentiation भी यही था। मतलब x cube minus 1 होता तो उसका भी differentiation यही होता। इसका मतलब क्या है कि जब आपको ये 3x square का integration पूछा जाएगा तो आपको नहीं पता ये 3x square कहां से आया होगा। ये x cube plus 2 से आया होगा, ये x cube plus 1 से आया होगा, ये x cube minus 1 से आया होगा, ये x cube से आया होगा। It means जब आप integration कर रहे हो तो वापस से इस प्रोसेस पे जाते टाइम आपको ये नहीं पता होता कि ये कांस्टेंट क्या है। ये कांस्टेंट आपसे क्या हो जाता है, मिस हो जाता है ना। उस इंटीग्रेशन को बोलते हैं हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसलिए जब भी रिजल्ट लिखते हैं तो यहाँ पे हम प्लस सी और लिख देते हैं, क्योंकि सर इसका मतलब क्या है, ये पावर वाला रिजल्ट तो आपने इससे निकाल लिया लेकिन यहाँ पे कुछ प्लस कॉन्स्टेंट भी हो सकता है जो कि डिफरेंशिएशन करते टाइम गायब हो गया था। ये वाला कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन करते टाइम क्या हो गया था, गायब हो गया था। तो इंटीग्रेशन करते टाइम हम उस कॉन्स्टेंट को वापस लाने के लिए क्या करते हैं सर, एक यहाँ प्लस सी कर देते हैं और उसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि ये जो कॉन्स्टेंट है वो डिफाइन नहीं है, इनडेफिनेट है, फिक्स नहीं है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। क्लियर है ये बात? यस सर। अनडिफाइन हो जाती है, तो एम की वैल्यू माइनस वन नहीं हो सकती इस फॉर्मूले में, बस इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी चीजें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। तो डिफरेंशिएशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इंटीग्रेशन के बारे में हमने बेसिक डेफिनेशन देख ली, इंटीग्रेशन है क्या अच्छे समझ जाना। आपको एक डीपी भी मिल जाएगी कल तक डिफरेंशिएशन में बेस्ड, उसके सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस भी करेंगे। आई होप डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। हेल्थ, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। एनी डाउट्स?